बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे हारमोनियम मास्टर, ढोलक मास्टर, कोरस में संगत कर रहे सभी साथियों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और गुरु जी के श्रद्धांजलि में तमाम गीत सुने के मिलल। मास्टर साहब ने स्वर दे क्या जैसा कि आप लोग शाम से ही सुनते आ रहे हैं, चंदौली जिला से चल करके हम लोगों के बीच में आए हुए हमारे गुरुतुल्य बड़े भैया आप श्री सरोज प्रजापति जी, जो हमारे बीच चंद्रिका कवि जी नहीं रहे, उनके साथ में रह करके गीत संगीत लिखने का काम करते हैं। आप हमारे सरोज भैया जी के बड़े भैया, जिनका नाम पूजनीय श्री राजमणि कवि जी है, चंद्रिका कवि जी के हुब टू हुब गीत आज भी लिखते हैं। भैया का गीत, गुरु जी का गीत हमने तमाम पाया। बहुत प्रयास किया कि मैं इस गीत को याद करके समाज में पहुंचने का काम करूंगा, लेकिन मैं क्या कहूं, याद करने में उलझन हो जाता है। मास्टर साहब तो स्वर देखे हो, अरे तो झूलने माई को भरल ममता, माई को भरल ममता पल भर में बिछड़ जाई, आ चुटकी भर सिंदूर खातिर बेटी घर से निकल जाई। आज गुरु जी है बाग के छोड़ के सजा के चल गईलन। कवि जी लिखलन है का सरोज भैया, आजकल का ऐसा जमाना हो गया गुरु जी, तू बड़ा सुंदर पहले हुआ पहिरना पर, लेकिन फाड़ दे तरकारी खा के पोष दे। कुछ ऐसा कलाकार हो गए कि कुल बांधे वाला लेके चलत हो, बांध दे तो बोलना पड़ेगा। लेकिन हम कहना कुल फालतू बकवास है, माई की कृपा सदा जब बनल है कलाकार के ऊपर, तो केहू दुनिया का ऐसा ताकत नहीं कि बांध सके। यही से कहल गई, का कहल गई, अरे तो रहिया में काट कबो ए भैया बोवली न जाला, अरे तो बोवली न जाला, अरे लगा के सेलुरा पंचो भोवली न जाला, सेलुरा पंचो भोवली न जाला, लगा के सेलुरा पंचो
जहां तक सिंदूर की बात आती है, आज हमारे गुरुजी इस दुनिया में नहीं है। माता जो अपने इस मांग में सिंदूर भरा करती थी, ए बाबू हो वो औरत उमाई वो बहिन अभागिन हो जाली हो, जिक्र मांग का सिंदूर की धोते हल जला, आंख से बाबू झरझर झरझर आंसू गिरेला, पूरा परिवार के लोग रोवेला बिलखेलन, इस बाप की सजा के कहा आप चल गई ली। इस दिन लिखल गई, का लिखल गई, अरे ततीनी जनऊरी, तीन जनऊरी जब जब आई, मैं बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों, दो महीना पहले बड़े भैया आदरणीय श्री सरोज प्रजापति जी बताए, गौरी शंकर मेरा टिकट हो चुका है, मैं गांव पे आऊंगा तो चंद्रजीत भाई के पिताजी के श्रद्धांजलि में जरूर चला जाएगा। भाई का है प्यार है दुलार है, जो पिताजी बिरहा गा करके अपने नाम को जितना रोशन किए, हमारे बड़े भैया बता रहे थे चंद्रजीत बाबू का नाम शायद कहीं आपसे बड़ा हो गया है, लेकिन कहा जाता है कि मान सम्मान में अगर कहीं दाग लगता है तो फिर वापस नहीं आता है। यही से लिखल गई, का लिखल गई, तीन जनवरी जब जब आई, बाबू यही फूल, यही फूल गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चुड़िया, चुड़िया पहिर गो औरतन के जो कलाई हो खेले, जो चूड़ी सजल हो खेले, जब अचानक फूट जाले हो तो बहुत दुख होला, ये हमारे कलाई की चूड़ी काहे फूट गयल, काहे टूट गयल, ये बाबू अपशगुन हो जाला। जब माता बहिन लोग का पति स्वर्गवास हो जालन हो,
एक कलाई का चूड़ी के फोड़ देल जाला। आगे लिखल गई, का लिखल गई, चुन चुन फुलवा के माला बनाई हो, आज हमारे कुछ कलाकार साथी बताए जो हमारे पूजनीय श्री जीतवंदन गुरु जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज इनकी यादें ताजा हम लोगों को कर रही है। इसी झोपड़ी में बैठ करके लोगों को समझाने का काम किया करते थे, खाना पीना खिलाने का काम किया करते थे। धन्य है आप हमारे चंद्रजीत भैया जो ऐसा कार्यक्रम करा करके पिताजी के नाम को आज रोशन कर रहे हैं। आप महान हैं और आपकी जितना भी महानता का गुणगान किया जाए उतना ही कम है। यही से लिखल गई, कहल गई का चुनी चुनी फुलवा के माला बनाई हो, फुलवा के माला बनाई है, चुनी चुनी फुलवा के माला बनाई है, उहे माला गुरु जी के जाके चढ़ाई हो, उहे माला गुरु जी के जाके चढ़ाई है, अरे कचना का बड़ाई कर लिया उतना कम है। समय को देखते हुए आखिरी भाव में कहे के पलका